स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग आए हुए हैं काव्या फ्लैक्स यानी कि सिकंदरा के अंदर, जो कि कानपुर देहात में पड़ता है। तो आज हम लोग आए हैं काव्या फ्लैक्स पर और आज देखेंगे किस तरीके से फ्लैक्स प्रिंटिंग की जाती है, कैसे हम लोग टिप फाइल बनाते हैं, फाइल को किस कैसे साइज सेट करते हैं और जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये यहाँ के ओनर हैं मनमोहन शुक्ला जी और इनसे पूछेंगे फ्लैक्स मशीन की लगभग क्या कॉस्टिंग आती है, कि अगर कोई प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहता है कोई नया बंदा तो उसमें लगभग कितना खर्च आता है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है। बहुत बहुत स्वागत है अर्पित भाई, हमारे आप प्रतिष्ठान पर आए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। लगभग इसमें जैसे कोई फ्लैक्स मशीन लगाना चाहता है तो उसमें कितना खर्चा आता है? फ्लैक्स लगाने के लिए 6 से 8 लाख रुपए की मशीन आती है। उसके बाद इसमें एसी लगाना बहुत मोस्ट होता है और एक यूपीएस लगता है जो कि 3 से 4 किलोवाट का होता है। इसकी कॉस्ट समथिंग 8 से 10 लाख रुपए आती है। जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि मशीन की जो कॉस्ट होती है वो 6 से 8 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा जो फ्लैक्स के ऊपर रोल चलता है, आपको रोल मंगाना पड़ कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए की कीमत का, और एसी इंस्टॉल होगी और उसके लिए जगह चाहिए, कम से कम जगह कम से कम 20x10 यानी कि 200 स्क्वायर फुट कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि मशीन आपकी रख के आराम से चलती रहे। तो ये हो गई फ्लैक्स मशीन के बारे में बात। अब फ्लैक्स मशीन पर प्रिंटिंग कैसे होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है, साइज वगैरह जो भी है वो आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट, जो भी प्रिंटिंग का काम करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारी वो है डिज़ाइन जो फ्लैक्स पर प्रिंट होनी है, तो इसकी बनाई जाएगी टिप फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से साइज भर लेंगे, कितने बैनर हैं और कितने पीस हैं। यहाँ पे साइज दिया जाता है हाइट और इंच में, इंच में ही तो चला था। टिप फाइल हो रही है कॉपी पेन ड्राइव के अंदर, पेन ड्राइव लगाई जाएगी मशीन में जो पीसी होता है उसमें। फाइल हो गई है फाइनली कॉपी, इसको पेन ड्राइव को ले जाकर फाइल को लोड करेंगे मशीन के सॉफ्टवेयर पर। अब इस पेन ड्राइव को लगाएंगे फ्लैक्स मशीन का जो पीसी होता है वहाँ पर लगाएंगे, जो इस डिस्प्ले में यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे करेंगे साइज की सेटिंग, साइज डालेंगे कौन से साइज पे कौन सा बैनर होगा। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मीडिया,
और यहाँ पर पहले से ही रोल लगा हुआ है उसी साइज़ का, तो रोल लगाने की ज़रूरत अभी है नहीं। पहले से ही 10 फुट का लगा हुआ है, 10 फुट का रोल इस पर पहले से ही लगा हुआ है, जो के दो पीस एक साथ लग रहे हैं। क्योंकि 5x4 के दो पीस इस पर लगे हुए हैं, तो 10x4 एरिया हो गया, 10 फुट का रोल है, 4 फुट प्रिंट होगा। यह होगी क्लीनिंग पर्जिंग मशीन की। फाइल हमारी हो गई प्रोसेस, अब यहाँ से दी जाएगी कमांड प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों कलर क्लीन है, पूरे पूरे हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रिंटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 कलर प्रिंटिंग हो रही है इनमें कोई भी डिटेक्शन नहीं है कलर के अंदर। से दिखाएंगे कैसे रोल चल रहा है पीछे। यहाँ पर लगे होते हैं कूलिंग फैन, जिनसे कि जो एरिया प्रिंट होता है उस पर कूलिंग हो और ये इंक है आपकी फैले नहीं। कूलिंग फैन स्टार्ट हो गए मशीन के अंदर, कितने सारे कूलिंग फैन लगे हुए हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगी हैं इंक की बोतल्स, जिनसे मशीन जो है हेड स्याही खींचता है यहाँ से, जो पर्ची जिससे स्प्रे होता है और ये प्रिंटिंग होती है, और ये है हेड जहाँ से प्रिंटिंग होती है, इसके अंदर से स्याही प्रिंट करती है।
हेड है वो एक बेल्ट के थ्रू चलता है, वो बेल्ट बार बार इधर उधर होती है, उसके सहारे से हेड जो है आपका लेफ्ट राइट करता है। और इसी हेड के अंदर, इसके अंदर हेड होते हैं चार कलर के, जो आप चार कलर यहाँ पे देख रहे थे इन्हीं चार ही कलर के हेड होते हैं, येलो, मजेंटा, ब्लैक और सियान कलर। इनसे मिलके चार कलर, कोई भी फोर कलर की प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग की जो भी मशीनें फोर कलर पर काम करती हैं वो चारों कलर यही होते हैं, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, जिससे कि मिक्स होकर प्रिंटिंग का कोई भी कलर हो इन्हीं चारों से मिक्स होकर बनता है। और यहाँ से आपकी जो फ्लैक्स है सूखने के बाद नीचे की तरफ से यहाँ पे लटक जाती है और इसे हम लोग यहाँ से कट करके रोल कर लेते हैं। बैनर लगभग हमारा प्रिंट होने वाला है, तो यहाँ इस मशीन में डिस्प्ले में स्टेटस देखते हैं कितना प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में स्टेटस दिखेगा, यहाँ पे परसेंटेज चलता है, जो आप देख रहे हैं प्रोग्रेस 84% यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है 10-15%। और यहाँ पर बैनर हमारा हो चुका है कंप्लीट, इसकी प्रिंटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से इसे तुरंत नहीं हटाया जाता क्योंकि इंक इसकी जो है अभी सही तरीके से पूरी सूखी नहीं होती है, अगर आप जल्दी लपेट देंगे तो ये बैनर चिपक जाता है आपस में। तो इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे कूलिंग फैन के सामने, जिससे कि ये जल्दी सूख जाए। सूखने के बाद इसको काट के और रोल कर दिया जाता है। तो आपने देखा वीडियो में किस तरीके से फ्लैक्स प्रिंटिंग काम करती है और कैसे प्रिंटिंग होती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे मशीन प्रिंट करती है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो अब बात करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट की और इन्वेस्टमेंट की, प्रिंटिंग मशीन लगाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपका जो फ्लैक्स प्रिंटर आएगा वो 6-7 लाख के आसपास रहेगा, अगर आप 512i लेते हैं न्यू मॉडल की तो 10 लाख के आसपास आपका ये जा सकता है। इंक और मीडिया, जब आप फ्लैक्स मशीन लगाएंगे तो उसके लिए आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी और इंक की, तो कम से कम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 कम से कम इसके लिए चाहिए। एक आपको पीसी चाहिए 30-40 हज़ार के आसपास, जो आपका सही काम करे, और इसके अलावा एक एसी इंस्टॉल होगी और उसका फर्नीचर, तो इसके भी आप 50 के समथिंग मान के चल लें। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन ना के बराबर, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट रहेगी इसको हम लेके चलते हैं 50-50-50, यानी कि 1,40,000 ये हो गए आपके, और यहाँ पे मान लेते हैं 6 लाख रुपए, तो आपके हो गए लगभग 6 और प्लस 1,40, तो ये हो गए आपके 7। तो जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो है 7,40, यानी कि लगभग 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे, और हमारा जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो होता है 1/3, यानी कि 33%, 30-40% इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, यानी कि अगर आप 1 लाख की फ्लैक्स प्रिंट करते हैं तो लगभग आपको 30,000 रुपये के आसपास में बचत होगी। तो वीडियो पसंद आई हो अगर, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।